और चलिए सीधे रुख करते इलाहाबाद का, जहाँ पर बीएसपी प्रमुख मायावती संबोधित कर रही हैं। तो वह जमीनी हकीकत में ना के बराबर है, अर्थात इनका ये लेखा जोखा अधिकांश ये केवल सरकारी फाइलों में भी, सरकारी फाइलों में ही दर्ज कागजी मसौदा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खासकर जनहित व जन कल्याण के मामले में घोर विफलता के साथ साथ देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी व व्यापक भ्रष्टाचार आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे कुछ भी जमीनी ठोस कार्य नहीं किए हैं कि जिसका विशेष संज्ञान लेकर यहाँ की आम जनता उसे सराहे व तारीफ करे। इसके साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर आप लोगों को ये मालूम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के गरीब लोगों को, आज के उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को भी ये कहा था कि अपने देश का जो काला धन विदेशों में जमा है, तो श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अपने देश का काला धन जो विदेशों में जमा है और यदि केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाती है तो फिर केंद्र की सरकार जो विदेशों में काला धन जमा है तो उसको 100 दिनों के अंदर ही वापस लाकर, 100 दिनों के अंदर ही वापस लाकर तो इस देश के अंदर तो प्रत्येक गरीब परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं तो 5 लोगों को प्रत्येक मेंबर के हिसाब से 15 और 20 लाख रुपए के हिसाब से सरकार की ओर से दिए जाएंगे। ये बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में किसी भी गरीब आदमी को 1 रुपया भी मिला है, 1 फूटी कौड़ी भी मिली है? मैं समझती हूँ कि आप लोगों को नहीं मिला है। इनका ये खास चुनावी वायदा भी पूरी तरह से खोखला ही साबित हुआ है। और अब तो अपने देश में भी काला धन रखने वाले लोगों को उसे सफेद करने के लिए पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भी विशेष व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के उजागर होने वाले खासकर ललित मोदी घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, विजय माल्या घोटाला, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र स्टेट की भाजपा सरकार के हुए घोटाले आदि, ये सभी साबित करते हैं कि बीजेपी में भी कांग्रेस पार्टी की तरह भ्रष्टाचार की जड़ें काफी ज्यादा गहरी हैं। तो फिलहाल केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है मायावती।